एवरीवन, माय नेम इज नीलिमा रॉय। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले किस तरीके से आप सोशल साइंस की स्टडी अभी से स्टार्ट कर सकते हो। अगर अभी तक आपने नहीं किया है सोशल स्टडी का पढ़ाई शुरू, तो कैसे करना है शुरू, किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीजों को कवर करना है, ये सभी चीजें हम डिटेल में कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं अपने टेक्स्ट बुक को। तो अपने पास दो टेक्स्ट बुक है क्लास टेंथ में, एक है हिस्ट्री का टेक्स्ट बुक और एक है ज्योग्राफी का टेक्स्ट बुक। सबसे पहले हिस्ट्री का जो टेक्स्ट बुक है वो पेपर वन आपका कहलाएगा, उस पर हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस है। पेपर टू है आपका, दैट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी अकेला आपका 40 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, ये तो आपका क्लियर हो गया होगा अभी तक। चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं टेक्स्ट बुक पे इंडेक्स। हिस्ट्री में टोटल अपने 9 चैप्टर्स है। फर्स्ट चैप्टर इज द हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, सेकेंड इज द इंडियन ट्रेडिशन, थर्ड इज अप्लाइड हिस्ट्री, फोर्थ इज द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स, फिफ्थ इज द मास एंड हिस्ट्री, सिक्स्थ वन इज एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री, सेवेंथ इज स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, एट्थ इज टूरिज्म एंड हिस्ट्री, नाइन्थ इज द हेरिटेज मैनेजमेंट। ये 9 चैप्टर है आपका। इसमें से मैं बताऊंगी कौन से चैप्टर्स बहुत इजी है एंड उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है और आप इजीली मार्क्स उसमें स्कोर कर सकते हो, ये मैं ज़रूर बताऊंगी। चलो एक बार पहले पॉलिटिकल के चैप्टर्स देख लेते हैं। तो पॉलिटिकल जो है आपका वो पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है उसके बारे में बताया गया है ये पूरे क्लास टेंथ में। तो इसमें जो चैप्टर्स है वो 5 चैप्टर्स है आपको, द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द इलेक्टोरल प्रोसेस, द पॉलिटिकल पार्टी, द सोशल एंड द पॉलिटिकल पार्टी, फिफ्थ इज द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन डेमोक्रेसी। ये 5 चैप्टर्स है आपको टोटल। चलो अब हम जरा सा डिस्कस कर लेते हैं हिस्ट्री में कि कौन सा चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे पहला चैप्टर तो ऑब्वियसली बात है ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो है आपका चैप्टर दैट इज थर्ड चैप्टर अप्लाइड हिस्ट्री, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं इसे यहाँ पे रफ कर देती हूँ, वेट अ मिनट, मैं इसे यहाँ पे ऐसे रफ कर देती हूँ और जो इम्पॉर्टेंट है उसे मैं सर्कल कर देती हूँ। ठीक है, देन इज द मास मीडिया एंड हिस्ट्री, देन इज द स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, देन इज द टूरिज्म एंड हिस्ट्री। ये आपके जो 5 चैप्टर्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। ये चाहे 5 चैप्टर्स को बिल्कुल छोड़ के एग्जाम में नहीं जाना है। इसके ईच एंड एवरी क्वेश्चंस जो आल्सो जो टेक्स्ट बुक पे जो बॉक्सेस बनाए गए हैं, डू यू नो, आर यू इंटरेस्टेड, ऐसे करके जो बॉक्सेस पे जो है वो भी कवर करने हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि इससे ये चैप्टर्स काफ़ी आसान है एंड इससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे आते हैं और मज़ा आएगा आपको कि इतना आसान चैप्टर से इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, हैवी वेटेज का क्वेश्चंस आता है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में ऑब्वियस सी बात है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो पहला चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट है। देन इज द पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे कंट्री में कितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे कितने, इसको पढ़ लेना। देन इज द क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा था इंडियन डेमोक्रेसीज को। तो जो हमारा ऑड नंबर है उस ऑड नंबर वाइज आप चैप्टर्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेना एंड उसके उसको ज़रूर कर लेना। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ कि बाकी चैप्टर्स आप नहीं करोगे, बिल्कुल करना है। बस ये 3 जो चैप्टर है उसे अच्छे तरीके से कर लेना है। अगर मान लो इसे आपने 2 बार पढ़ा है तो वो चैप्टर आपको 3 बार पढ़ लेना है, ठीक है, ऐसा है। लेकिन सब इक्वल वेटेज में है, कुछ बस है जो वेटेज, देखो क्या होता है, ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है, कभी किसी ईयर किसी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी किसी ईयर से कम पूछ लेता है, ऐसे होते रहते हैं। हम ये बिल्कुल कंफर्म नहीं बोल सकते कि इस चैप्टर से 4 मार्क्स का आएगा ही आएगा, ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटिकल में ऐसा ऊपर नीचे होते रहता है। लेकिन कुछ चैप्टर्स है जिससे क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो ये हो गए आपके पॉलिटिकल। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में है आपके चैप्टर्स बहुत ही इजी चैप्टर्स है, 9 टोटल चैप्टर्स है आपको। तो फील्ड विजिट हो गया, लोकेशन एंड एक्सटेंट सेकेंड चैप्टर है, थर्ड वन इज द फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, फोर्थ इज क्लाइमेट, फिफ्थ इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, सिक्स इज पॉपुलेशन, सेवेंथ इज ह्यूमन सेटलमेंट, एट इज इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन, एंड नाइन्थ इज टूरिज्म ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन।
इसमें से जो आपका चैप्टर नंबर 6 से लेकर के 9 तक में जितने भी मैप्स एंड ग्राफ्स है, मैप्स प्लस ग्राफ्स, ये जितना भी है ये आपको पूरे अच्छी तरीके से कर लेना है। एक भी मैप और ग्राफ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, मैप और ग्राफ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है इसमें से। एंड बाकी जो आपका चैप्टर्स है जो इम्पॉर्टेंट एज ए हम कह सकते हैं जो चैप्टर वेटेज वाइज इम्पॉर्टेंट है, तो फील्ड विजिट जो बहुत छोटा सा चैप्टर है एंड बहुत ही हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट इज द क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसको ज़रूर कर लेना, ठीक है, इसको ज़रूर कर लेना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ज़रा सा चैप्टर कैसे वेटेज क्या है इसका, ठीक है। तो हिस्ट्री में अगर हम बात करें 40 में से 40 लाने के लिए सारे सब्जेक्ट चैप्टर्स जो उसके वेटेज क्या है, तो पहले दो जो चैप्टर्स है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ इन द वेस्ट एंड द इंडियन ट्रेडिशन, इससे लगभग 6 से 9 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 6 से 9 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज 6 मार्क्स, मतलब इस पे से ऑलमोस्ट 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन जोड़ करके 9 मार्क्स का क्वेश्चन तक भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इज अप्लाइड हिस्ट्री, जो बहुत ही IMP है, तो दैट इज 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आगे आपका दैट इज द हिस्ट्री एंड द इंडियन आर्ट्स, मास मीडिया एंड हिस्ट्री, एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री, स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री, टूरिज्म एंड हिस्ट्री, ये ऑलमोस्ट ओवरऑल 16 से 23 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है। हेरिटेज मैनेजमेंट, ये से आपका 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये हो गया आपका वेटेज। हाँ, एक और बात, कोई भी बच्चे बिल्कुल ये बात सोचना कि जब मैंने वेटेज बता दिया है ऐसे ही एक्यूरेट होगा, ऐसे नहीं होता है, ये ओवरऑल निकाला गया है, ठीक है, ये ओवरऑल देखा गया है, निकाला गया है। तो मार्क्स ऊपर नीचे हर साल होते रहते हैं हर एक चैप्टर से। चलो अब हम देखते हैं पॉलिटिकल में, तो पॉलिटिकल की अगर हम बात करें तो पहला चैप्टर वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 3 से 5 मार्क्स का आता है। द इलेक्टोरल प्रोसेस एंड द पॉलिटिकल पार्टीज, ये 5 से 8 मार्क्स का आता है। फिर हो गया सोशल एंड द पॉलिटिकल मूवमेंट एंड द चैलेंजेस फेस बाय द इंडियन डेमोक्रेसी, ये 4 से 7 मार्क्स का आता है। ओके चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जियोग्राफी में। जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जियोग्राफी में कोई दो सब्जेक्ट नहीं है, एक ही सब्जेक्ट है जियोग्राफी, एंड 40 मार्क्स का आता है, ठीक है। चलो पहला चैप्टर है दैट इज द फील्ड विजिट, ये 4 से 6 मार्क्स का आता है, आता ही आता है। नेक्स्ट इज द लोकेशन एंड एक्सटेंट, 4 से 6 मार्क्स का आपको पूछ लिया जाएगा। जियोग्राफी एंड ड्रेनेज 4 से 6 मार्क्स का, क्लाइमेट एंड क्लाइमेट 4 से 6 मार्क्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ 5 से 7 मार्क्स का आ गया, पॉपुलेशन 5 से 8 मार्क्स का आ गया, ह्यूमन सेटलमेंट 5 से 8 मार्क्स का, इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन 4 से 6 मार्क्स, एंड टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन 5 से 8 मार्क्स का आता है, ठीक है, 5 से 8 मार्क्स का आता है। तो ये हो गया पूरा ओवरऑल वेटेज हमारे सोशल साइंस का। सोशल साइंस में 100 out of 100 स्कोर करना बहुत ही आसान है, अगर आप पूरे साल काफ़ी स्मूदली पढ़ोगे ना, बहुत आसान है स्कोर करना। अब अगर हमें स्कोर करना है तो मैम स्मूदली आपने बोला तो है पढ़ने में, लेकिन किन किन स्टेप्स को हम फॉलो करें, जो स्टेप्स है जो आपको बिल्कुल अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपको आएगा ही आएगा मार्क्स। अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, समझ रहे हो एंड यू आर लाइक कि हाँ मैं करूँगा या करूँगी, तो ये फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करना जो अभी मैं बताने वाली हूँ, आपका मार्क्स ज़रूर आएगा, क्योंकि इतने साल हमारे जितने भी बच्चे पढ़ रहे थे सबका आया है, सबका अच्छा मार्क्स आया है, जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा भी किसी का आया है, ठीक है। चलो तो हम देखते हैं क्या फॉलोइंग स्टेप्स है। सबसे पहले वॉच वन शॉट वीडियोज हमारे चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे शुभम झा सर के जो चैनल है शुभम झा करके, वहाँ पे आप अगर देखोगे तो पूरा वन शॉट वीडियो बना दिया गया है, हिस्ट्री का भी, पॉलिटिकल साइंस का भी, ज्योग्राफी का पूरा वन शॉट वीडियो है। एक चैप्टर एक टाइम में पढ़ने बैठोगे, जो भी 40 मिनट लग रहा है, 1 घंटे लग रहा है, 1.5 घंटे लग रहा है, पढ़ के ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहला आपका काम यह है कि वन शॉट वीडियो को देखो, वन शॉट वीडियो को देखो, जितना भी टाइम लग रहा है वन शॉट उसे कंप्लीट कर लो, ठीक है। आप जैसे ही चैनल को ओपन करोगे, चैनल को ओपन करने के बाद वहाँ पे प्लेलिस्ट का फोल्डर होगा, प्लेलिस्ट को ओपन करना, वहाँ पे आपको क्लास टेंथ महाराष्ट्र बोर्ड ज्योग्राफी ऐसे आपको दिखाई देगा, उस प्लेलिस्ट को आप ओपन करना, हर एक चैप्टर डिटेल्ड में पढ़ाया गया है,
सबसे पहला काम आपका ये है कि जितने भी हमारे वन शॉट वीडियोस है जो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाया है उसको आपको पढ़ना है, फर्स्ट पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो आपको फॉलो करना है, जैसे ही आपने वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद इमिजिएटली आपको विद इन अ 24 आवर्स में आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक को रीड करना है। ये याद रखना कि जब वीडियो देख ले रहे हो तो देखने के विद इन अ 24 आवर्स के अंदर आपको टेक्स्ट बुक रीड करना है। ये नहीं कि वीडियो आज देखा और 4 दिन के बाद टेक्स्ट बुक रीड कर रहे हो, नहीं, जैसे ही वीडियो देख रहे हो एज सून एज पॉसिबल टेक्स्ट बुक को रीड करो, टेक्स्ट बुक को एक एक लाइन से रीड करो। एंड रीड करने के बाद जो भी आपको आपके हिसाब से लग रहा है कि ये पॉइंट्स ऐसा है जो मैं भूल जाऊंगा उसे हाईलाइट कर दो, जो आपके हिसाब से लग रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट है उसे हाईलाइट कर दो, उसे हाईलाइट कर दो। एंड हो सके तो अपना एक न्यू टेक्स्ट बुक खरीद लो, ठीक है, हो सके तो अपना एक न्यू टेक्स्ट बुक खरीद लो, फ्रेश टेक्स्ट बुक खरीद लो, सो दैट उसमें आप अपने हिसाब से आपको जो भी हार्ड लग रहा है, इजी लग रहा है, जो आपको लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है उसे आप मार्क कर सको, ठीक है। तो एक हो गया कि आपको वन शॉट वीडियो देखना है, दूसरा हो गया कि टेक्स्ट बुक रीड करना है। नेक्स्ट टेक्स्ट बुक जैसे आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों का टेक्स्ट बुक को आपको रीड करना है, कर लिया आपने। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज करने हैं। हमारे टेक्स्ट बुक पे जो हम वन शॉट वीडियोस जब देख लेते हैं, टेक्स्ट बुक को पढ़ लेते हैं, थर्ड स्टेप हमारा ये बनता है कि उसके एक्सरसाइज को बाय हार्ट कर लो, या फिर कह लो कि पूरा ही उसको कहीं पे लिख लो। क्या करो, एक नोटबुक लो, पर नोटबुक लो जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये नोटबुक पे मैं बाकी के नोट्स भी लिखूंगा, एंड स्पेशली उस पे जो चैप्टर्स आप पढ़ ले रहे हो उस चैप्टर्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को लिख लो, सो दैट जब आपका एग्जाम आए तो आप इधर उधर आंसर ना देखो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप बस अपने नोटबुक को देखो एंड उसमें जो आंसर्स लिखा है उसे रिवाइज कर लो, उसे गो थ्रू कर लो। तो हर एक क्वेश्चन आंसर को अपने टेक्स्ट बुक पे, अपने नोटबुक पे लिख लो, ओके। वीडियो देखा, टेक्स्ट बुक रीड किया, उसके बाद एक्सरसाइज को किया। अब एक्सरसाइज तो कर लिया, उसके बाद क्या, उसके बाद आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सिंस 2019, क्योंकि 19 में सिलेबस चेंज हुआ था, 19 से लेकर के जो 24 तक का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको गो थ्रू करो, चैप्टर वाइज गो थ्रू करो। चैप्टर पढ़ा, वीडियो देखा, चैप्टर पढ़ा ना, फिर एक्सरसाइज किया, फिर वो चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो कि कितने क्वेश्चंस इससे होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर का आप ट्राई करो कि उस चैप्टर से आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है चाहे तो उसे कहीं पे लिख लो या फिर उसको गो थ्रू करो, देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, ओके, गॉट इट। अब एक और आपके लिए छोटी सी मदद मैंने कर दी है, छोटी सी मदद ये है कि दैट इज कि आपके लिए ना बच्चा पार्टी, मैंने एक जो हमारा इजी लर्निंग एप्लीकेशन है वहां पे ये जो नोट्स आपको दिख रहा है ये मैंने वहां पे अपलोड किया है। मैम ये क्या है, ये एक्चुअली जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 2019 टू 23 तक का, उसका हर एक क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख दिया है, उसके हर एक क्वेश्चन के आंसर्स जो बोर्ड में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, वो चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन के आंसर्स को लिख दिया है। आप चाहे तो इसको डाउनलोड कर लो और ईजिली इसे पढ़ सको, ठीक है। ये आपके लिए मैंने एक काम आसान कर दिया है कि इधर उधर आंसर ना देखना पड़े और आप इजीली यहाँ से चैप्टर वाइज बनाया है, चैप्टर वाइज, ईयर वाइज भी नहीं, चैप्टर वाइज के एक चैप्टर से 2019 से लेकर के 2019 से लेकर के 2023 तक में कितने क्वेश्चन आए उसको चैप्टर वाइज मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। ऐसा ही चैप्टर नंबर 2 का भी किया है, जो पॉलिटिकल का भी मैंने वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप देख सकते हो, ऐसे ही इसका भी लिख कर दिया है मैंने, ठीक है। उसके बाद द चैप्टर द इलेक्टोरल प्रोसेस का भी किया, हर एक चैप्टर्स का किया, आपको वो फोल्डर में मिल जाएगा।
विजिट उस ज्योग्राफी का भी मैंने कर दिया है, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी में एक हार्ड चैप्टर है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, इसका भी क्वेश्चन आंसर जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं इसके हर एक क्वेश्चन का आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख दिया है। अब सवाल आ रहा है कि मैम ये हमें कहाँ पे मिलेगा, मैम ये हमें कहाँ पे मिलेगा। तो माय डियर बच्चा पढ़ी, ये आपको इजी लर्निंग के एप्लीकेशन जैसे ही आप ओपन करोगे, साइन लॉग इन करोगे, वहां पे आपको जहाँ पे आपका प्रोफाइल दिखाई देगा ऊपर में, चाहे आपका नाम, अगर जैसे मेरा नाम एन नीलिमा, एन से स्टार्ट हो रहा है तो ऊपर एन से आपका फोटो दिखाई देगा, ठीक है। उसको आप क्लिक करना, वहाँ पे फ्री मटेरियल का फोल्डर है, फ्री मटेरियल पे क्लिक करना, क्लास 10th के फोल्डर पे जाना एंड वहाँ पे PYQ विथ सॉल्यूशन है, ठीक है। सो आपको ये मिल जाएगा। ऑल्सो कैसे, अच्छा अगर किसी को नहीं समझा तो मैं बता दे रही हूँ किस तरीके से ऐप से डाउनलोड करते हैं फ्री मटेरियल, कैसे देखना है फ्री मटेरियल में, ठीक है। तो वो आपको बता दिया गया एक वीडियो में, उस वीडियो का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन को प्लीज चेक कर लें। चलो तो ये हो गया आपके कुछ स्टेप्स जो आपको फॉलो करना है। क्या करना है, सबसे पहले वन शॉट वीडियो देखना है, दूसरा टेक्स्ट बुक को रीड करना है, तीसरा एक्सरसाइज को करना है, फोर्थ इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने हैं। तो ये रहा हमारा एप्लीकेशन, ऐसा ही एप्लीकेशन है हमारा, आप इसे डाउनलोड करोगे, यहाँ पे फ्री मटेरियल में आपको सब मिल जाएगा। कैसे डाउनलोड कर, कैसे फ्री मटेरियल में चीजें देखना है उसका भी लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, एक वीडियो छोटा सा बना के दे दिया है, आप उसको चेक कर लो, ओके। चलो तो अगर माय डियर बच्चा पार्टी, आप यहाँ तो सब बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, राइट। अगर आप हमारे लाइव बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो एंड यू आर इन क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड, तो हमारा एक बैच है जिसका नाम है आरंभ 3.0, 24-25 बैच वालों के लिए है ये। सो इसमें हम सेमी इंग्लिश और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को हम लोग पढ़ाते हैं। ये है हमारी टीम, मैं आप लोग को सोशल स्टडी पढ़ाने वाली हूँ, मेरा नाम है नीलिमा रॉय, कोमल दीक्षित मैम हिंदी पढ़ाने वाली, फरीन शेख मैम सोशल स्टडी मराठी मीडियम को, सेमी इंग्लिश मीडियम को एंड मराठी सब्जेक्ट वो पढ़ाती है, योगेश सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, चंद्रशेखर सर आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं एंड शुभम झा सर आपको एज यू ऑल नो साइंस पढ़ाते हैं एंड ऑल्सो वो मैथ्स भी लेते हैं। तो ये है हमारी पूरी टीम एंड जिनको भी संस्कृत है, हमारे पास संस्कृत के भी टीचर है, शैलेश गोड़के सर, वो आपको संस्कृत पढ़ाएंगे। तो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। बैच का बेनिफिट क्या है, सबसे पहले ये लाइव क्लास होता है, ईच एंड एवरी टॉपिक कह लो, हर एक टॉपिक पे लाइव क्लासेस होता है, ठीक है, सारा सब कुछ पढ़ाया जाता है लाइव में। नेक्स्ट इज कंप्लीट सिलेबस है इसका, कंप्लीट सिलेबस हम पढ़ाते हैं, ओके, एक भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो छोड़ता है, पूरा सिलेबस कवर करते हैं। नेक्स्ट इज कि आपको इस ये कहाँ पे आप देख सकते हो, तो मोबाइल टैबलेट पीसी हर किसी पे आप देख सकते हो। रिकॉर्डिंग आपको इस हर एक लाइव क्लासेस की मिलेगी, चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग सेशन होते रहते हैं, लाइव रिवीजन होगा बिफोर एग्जाम होते रहते हैं, मान लो अगर आपका एग्जाम 11 बजे दिन में, तो सुबह 5 बजे भी लाइव रिवीजन होता है, ठीक है। पर्सनल मेंटोरशिप आपको दी जाती है बाय शुभम सर, ऑल्सो टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे मिलता है, टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे मिलता है। ईच एंड टेस्ट सीरीज में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दो दो क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज है और ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज बनाया गया है, ओके। यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस है, रेगुलर टेस्ट होता है, डाउट डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, मोबाइल पीसी टैबलेट हर किसी पे आप देख सकते हो, एक्सपीरियंस टीचर्स है, सारे रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगे। फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, अक्सर जो क्वेश्चन लोग पूछते हैं बच्चे के मन में आता है, किसको ज्वाइन करना चाहिए बैच, तो सबसे पहले आप अगर एक क्लास 10th के 10वीं के बच्चे हो एंड आप बोर्ड में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो एंड यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड, तो आप ये बैच को ईजिली आप ज्वाइन कर सकते हो। ये जो रहेगी ये लाइव क्लास रहेगी, रिकॉर्डिंग रहेगी, ऑब्वियसली बात है लाइव क्लास रहेगी, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट का लाइव क्लास रहेगा एंड हर एक लाइव क्लास के बाद आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। नेक्स्ट इज कि कैसे, ऐप पे होगा या फिर यूट्यूब पे होगा, तो ये ऑब्वियसली बात है हमारे एप्लीकेशन पे होगा, इजी लर्निंग ऐप पे होगा ईच एंड एवरी सेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये कुछ इस तरीके से आपको ऐप पे दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे चैट का ऑप्शन है, पोल्स का ऑप्शन है, रेज हैंड का ऑप्शन है, कोई भी दिक्कत हुआ रेज हैंड में आप टीचर को पूछ सकते हो। कैसे इनरोल करना है, तो सिंपल प्रोसेस ये है कि आप इजी लर्निंग के ऐप पे जाके कोर्सेज सेक्शन में आपको आरम 3.0 दिखाई देगा, वहाँ पे एक्चुअली फीस है, एक्चुअल फीस है 15,000, बट देर इज अ कूपन कोड अवेलेबल है, तो आप जैसे ही कूपन कोड को अप्लाई करोगे तो आपका फीस हो जाएगा 7,500, आपका फीस हो जाएगा 7,500, ये देख लो, ठीक है।
ऑल्सो आप कैसे पेमेंट दूसरे मोड से कर सकते हो, अगर आपको वहां से नहीं जमता है तो और कैसे कर सकते हो। तो ये हमारा क्यूआर कोड है, आप इस क्यूआर कोड पे पेमेंट करके इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो, एंड ऑल्सो यू कैन कॉल इट, यहाँ हमने पेमेंट कर दिया है, आप हमें एक्सेस दे दो, यहाँ पे आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, ऑल्सो एक पेमेंट का दूसरा तरीका ये है कि आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक से आप डायरेक्टली आरम 3.0 ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फुल नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, अमाउंट उसमें खुद पे खुद रहेगा, एंड डायरेक्टली आप उससे ज्वाइन कर सकते हो। ये मंथली फीस है या फिर फुल ईयर फीस है, तो 7500 ये पूरा फुल ईयर फीस है, जब पूरे आपका ईयर का फीस है, जब तक बोर्ड एग्जाम होता नहीं, ये पूरा फीस इतना ही रहेगा। तो अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है तो आप इस गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हो गया कि किस तरीके से अगर आप एक लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अब हम देखते हैं कि एवरी मंथ हमें कितने चैप्टर्स पढ़ने चाहिए। ठीक है, अगर हम कैलकुलेशन करें एंड हमारा प्रॉपर टाइम भी मिले रिविजन के लिए, तो किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए अभी से। तो सोशल स्टडी में टोटल आपके 23 चैप्टर्स हैं, 9 हिस्ट्री के, 9 पॉलिटिकल के, 9 ज्योग्राफी के और 5 पॉलिटिकल साइंस के। तो अगर अभी से आपका इच्छा है, अगर आप चाहते हो जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना और एक प्रॉपर तरीके से करना, ठीक है, जो मैंने बताया है, अगर आप उस तरीके से करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, तो दिवाली से पहले अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो। दिवाली नवंबर में रहता है, एंड अक्टूबर तक अगर आप चाहते हो कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है तो वो हम देखते हैं। तो अगर अभी से जून से अगर अक्टूबर तक में हम देखें तो हमारे पास 4 महीने, राइट, 4 मंथ है। तो अगर हम 23 हमारे पास चैप्टर्स है और हमारे पास महीने कितने हैं, 4, 4 मंथ है। ठीक है, अगर हम इसे सिंपली डिवाइड कर दे, ठीक है, तो डिवाइड अगर हम करेंगे तो कुछ 7.5.75 आएगा। अगर हम ओवरऑल ले ले तो दैट इज 6 चैप्टर्स हमें करने पड़ेंगे एक महीने में, एक महीने में, या फिर अगर 6 भी ना कह लो, ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि 6 ज्यादा हो जाएगा मेरे लिए, तो तुम्हें काम करना 5 चैप्टर्स एटलीस्ट कोशिश करना पॉलिटिकल साइंस का कवर करने के, ठीक है, एक महीने में ओवरऑल सोशल साइंस का पूरा 5 चैप्टर्स एटलीस्ट ट्राई करना कि एक महीने में पढ़ने के लिए। ठीक है, ऑल्सो इफ यू आर कि मेरे को सब समझ में अच्छे से आता है, जल्दी आता है, मैं जल्दी कवर करना चाहता हूँ, इजी, जल्दी का मतलब ये नहीं होता है कि चीज़ों को छोड़ छोड़ के करने का, नहीं, अगर आप कर सकते हो, कैपेबल हो, तो ट्राई करो कि 6 चैप्टर्स आप एक महीने में पढ़ो। अगर आप वीक में, पता है, अगर आप वीक में दो दो चैप्टर्स भी अगर पढ़ते हो सोशल साइंस का, चाहे एक हिस्ट्री ले लो, एक ज्योग्राफी ले लो, एक पॉलिटिकल ले लो, एक ज्योग्राफी ले लो, अगर ऐसे भी आप अगर आप पढ़ते हो वीक में 2 दिन भी अगर आप देते हो सोशल स्टडी को, फिर भी अगर हम देखने जाए तो 8 चैप्टर हो जाएंगे, बट 8 करना भी नहीं है, 6 ही करना है। ठीक है, तो आप ट्राई करो कि एटलीस्ट वीक में 2 चैप्टर्स करने का। अगर आप मेरा रिकमेंडेशन लोगे तो इट्स लाइक कि 2 चैप्टर्स वीक में कवर करने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर्स है, आपका अक्टूबर में भी सबसे पहले कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन इट्स टाइम फॉर रिविजन, जो आपको व्हाट टाइम मिलेगा और आराम से आप जितना क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है, वो सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस पेपर है सॉल्व कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, सब कर सकते हो, इनफ टाइम फिर आपको मिलेगा। तो एटलीस्ट ट्राई की 2 चैप्टर्स एक वीक में करने के लिए, ठीक है, तो आपका दिवाली से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दी कैसे सोशल स्टडी को स्टार्ट करना है और कैसे सोशल साइंस को पढ़ना है। ठीक है, तो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, एंड यस, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल रहेगा कि किस तरीके से हमें पढ़ना है। And if you are interested in our batch live batches, तो you can join our आरंभ 3.0। आपको अगर कोई भी कोई कुछ भी अगर रहे, कोई भी इंक्वायरी अगर रहे, तो आप इस गिवन नंबर पे कॉल करो, वी विल हेल्प यू। ठीक है, कुछ भी रहे आप इस नंबर पे कॉल करो, वी विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कैसे मैप को भी हम स्टडी करेंगे, मैं काफ़ी चीज़ें बताने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून विद दिस चैनल। थैंक यू सो मच।